गाड़ी हीटअप भी हो गई है, पानी वानी नहीं था लगता है रेडिएटर में। बाकी पेट्रोल ले आए, पेट्रोल वो डाल रहे हैं। भाई पराई चीज पे रो रहे। मुजाहिद भाई को पीनी थी स्पेशल चाय, ऐसा ही है तो हमने बोला चलो चलते हैं सबक की स्पेशल चाय पिलाते हैं। ये रही आगे चाय, ये ले लिए भाई हमने, ये मछली पड़ी है, ये सफाई पे लगी है, वो भाई भी साफ कर रहे हैं सारा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, हमारे मामू हैं, मामू की जो है गाड़ी बंद हो गई है, मामू के साथ फैमिली है। हमारे एरिया में जो है मामू की गाड़ी बंद हो गई है, तो अभी अभी मुझे मामू की कॉल आई है कि यार पेट्रोल वगैरह ख़त्म हो गया गाड़ी में, तो याद में नहीं रहा होगा या एवरेज का पता नहीं लगा होगा, गाड़ी में पेट्रोल वगैरह ख़त्म हो गया। तो मामू ने बोला यार पेट्रोल पहुँचा था मेरी तरफ, रास्ते में मेरे घर के थोड़ा सा ही करीब है, 1.5 किलोमीटर दूर है मेरे से। तो हमने बोला चलो आते हैं, हम अभी चलते हैं यार, अभी बोतल वगैरह लेते हैं और इतना काफ़ी रहेगा, चलते हैं बोतल वगैरह लेके पेट्रोल वगैरह पहुंचाते हैं। पेट्रोल पम्प जो है हम आ गए हैं अभी, यार इसमें 500 का पेट्रोल डाल दो, 500 का। चलो भाई ये रहा गया, 490 में फुल हो गई बोतल, तो अभी चलते हैं पेट्रोल वगैरह तो ले लिया ना, इसमें हो जाएगी गाड़ी स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, चलते हैं अभी, यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है अब। तो भाई ये खड़े थे मामू, देखो गाड़ी हीटअप भी हो गई है, पानी वानी नहीं था लगता है रेडिएटर में। बाकी पेट्रोल ले आए, पेट्रोल वो डाल रहे हैं अभी, अभी पेट्रोल डल जाएगा। खैर मेंटेन नहीं हुई होगी ना गाड़ी, अभी देख रहे हो वो ले के निकले तो वहाँ से जो है ये देख रहे हो कैसे धुआं मार रही है, हीटअप हुई भी है यार, कहाँ से भर के ला रही है, अच्छा वहाँ से। चलो भाई ये गए, ये ले आया पानी की बोतल, ये है दोनों भाई मेरे मामू के बेटे, ये देख रहे हो इसको फुल पैक हुआ हुआ है। सर्दी लग रही है, हाय दैट नहीं गर्मी लग रही है, गर्मी अभी तो गर्मी लगेगी ना। तुम सुनाओ, ये असद जिसका नाम असद है, ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन ये इसको मारता है, ऐसा ही है ना। तो भाई ये जो है अभी साफ सुथरा नहा धो के आ गया है, शूज वूज भी नए पहन लिए, देख रहे हो कैसे जबरदस्त लग रहे हैं, गरम गरम सूट पहना हुआ है इसने और खा रहा है अभी पापड़, खा रहे हमदान खान पापड़ खा रहे, गंदा फ्रायो खा रहे भाई फ्रायो। और आहत भी आ गया भाई, आहत क्या हाल है, ठीक हो, ठीक हो। आज पहली बार इसने जो है ना ढंग के कपड़े पहने, ढंग के कपड़े पहने हुए ये, अच्छा तुम भी लेकर आए हो, क्या क्या लेकर आया भाई इधर, आहत क्या क्या लेकर आया, नहीं मैं निकाल लूंगा भाई मैं निकाल लूंगा, क्या क्या लेकर आया, केक, अच्छा बिस्किट, जूस, जेली, जेली, कुरकुरे, इतनी सारी चीजें, ये इसकी है अर्शियान वाली, पापा के पास है, पापा के पास है, पापा के पास, ला रहे ला रहे ला रहे ला रहे, वही पराई चीज पर रो रहे, पराई चीज पर रो रहे, गुस्सा हो गया, वरी 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 अर्शियान गया, ये रहा भाई आ गया आ गया आ गया आ गया, दूसरा पापड़ आ गया। ये रहा हमारा हमदान खान, ऐसा ही हमदान मसरूफ है भाई, फुल मसरूफ है। अभी अभी जो है हम गए थे अब्बू के कुछ काम से अब्बू के साथ, तो अभी वापस आए हैं यार, ये देखो अभी अभी पहुंचे हम लोग, ये कपड़े धोए हैं आज अम्मी ने, तो भाई इसको इग्नोर करना ठीक है सब। बाकी हालत यार देखो कैसी बुरी हो गई, बाहर ऐसी धूल मट्टी है, ये मैंने पहना हुआ था इसलिए शर्ट वर्ट बच गई है, वरना तो बाहर ऐसी धूल मट्टी यार देखो पूरे बाल बाल खराब हो गए यार। वो बच्चे कितना अनसेफ चल रहे थे यार, वो जो बच्चों की मैंने क्लिप ऐड की है छोटी सी, वो बच्चे कितना अनसेफ थे यार, 6 बच्चे एक छोटी सी बाइक 70 cc पे, इतने 6 बच्चे जो है इतनी ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, बहुत यार गलत है ये, माँ बाप को ख्याल करना चाहिए, माँ बाप ख्याल नहीं करते। और ये जो है भाई हमारा गोलू मोलू उठ गया नींद से, उठ गया नींद से, हाँ देख रहे नींद से उठ गया, अभी अभी नींद से उठा, इसका मूड ठीक नहीं है, घर पे रो रहा था तो अभी इसको ले आए हम बाहर, क्योंकि इसने एक ही लफ्ज़ सीखा हुआ है, बार 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 बोलता रहता है, कोई भी देखते हैं ना घर पे, कोई भी आ जाए लड़का साथ, अब्बू आए मैं आऊँ कोई कज़न आए, बस बोलेगा बाहर ले जाओ, फिर घर पर नहीं टिकेगा ये, है ना, कहाँ जाना है। ये हम आगे पीटा शवरमा, क्योंकि हमारा जो एक भाई है ना उनको चुल मची हुई थी कि पीटा खाना है भाई, ट्राई करना है, ट्राई करना है ये भाई। जैद भाई क्या हाल है, खैरियत से हो, अल्लाह करे आप कैसे हैं, ठीक है जबरदस्त बिल्कुल।
क्या हुआ, आ गए आपके भाई शवरमा? अभी तो मैंने टेस्ट नहीं किया ना, टेस्ट करके बताऊंगा। टेस्ट करके बताएंगे फिर। अच्छा है नहीं? आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। एनवायरनमेंट कैसा है? एनवायरनमेंट तो अच्छा है, लेकिन टेस्ट का जरूरी है। टेस्ट जरूरी है, टेस्ट होना जरूरी है। चलो टेस्ट वेस्ट करके फिर बताते हैं आपको, एंड में इनका रिव्यू लेंगे कि कैसा लगा इनको पीटा। फिर हमने इनको बहुत बताया था कि पीटा बहुत अच्छा शवरमा पीटा। अभी चल दो फ्लेवर्स मंगाए, देखो हमने बीच में से कट करा दिया, आधा ये खाएंगे आधा में बेरूटी और कलाची। तो अभी टेस्ट करते हैं। मुझे भी टेस्ट करो आप और बताओ कैसा। ये कौन सा है? ये है कलाची है, पता नहीं। हाँ ये कलाची है। कैसा है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जबरदस्त है, सही है ना? टेस्ट अच्छा है, जबरदस्त। चलो भाई पास हो गया भाई, फाइनली शवरमा वगैरह जो है खा लिया है। कैसा था टेस्ट मुजाहिद भाई? टेस्ट बहुत ग्रेवी था यार, सही था टेस्ट। मतलब डिफरेंस टेस्ट दोनों से मतलब कि बहुत फ़र्क था, मतलब कि एक टेस्ट में और दूसरे टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। फ़र्क था ना? यही खासियत होती है अच्छे रेस्टोरेंट्स की कि इसका जो फ्लेवर्स हो ना वो दूसरे से बिल्कुल मैच ना करता हो। यही इनकी जो सॉसेज वगैरह यार, और अंदर जो चीज़ें डाली हुई थी वेजीज वगैरह, बिल्कुल फ्रेश थी। वो ऐसा लग भी रहा था कि बिल्कुल फ्रेश और गर्मा गर्म था। खैर अभी निकलते हैं यहाँ से, अब क्या करना है? चाय वाय पीनी है? अब चाय पीने जाना है। पहुँच गए हम सभा कैफ़े। ये रहा सामने सभा कैफ़े, क्योंकि मुजाहिद भाई को पीनी थी स्पेशल चाय, ऐसा ही है। तो हमने बोला चलो चलते हैं सभा की स्पेशल चाय पिलाते हैं। ये रही आ गई चाय, देखो कैसी है। कैसी लग रही है मुजाहिद भाई? यार ये तो कुछ डिफरेंट ही लग रही है, कश्मीरी चाय जैसी लग रही है, लेकिन कश्मीरी चाय नहीं है। ये कश्मीरी नहीं है, सभा स्पेशल चाय है। ट्राई करते हैं, इसके बाद बताएंगे आपको क्या टेस्ट है इसका। बिल्कुल बिल्कुल, देख रहे हो अभी मुजाहिद भाई को हम सारी यूनिक चीज़ें टेस्ट कराएंगे। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है सर। मुजाहिद भाई चाय कैसी थी? यह चाय बहुत वीआईपी थी, एक डिफरेंट टेस्ट था सबकी चाय। क्वेटा होटल से भी डिफरेंट टेस्ट था ये, है ना? और साथ में बादाम शदाम सर्दी के मौसम में, सर्दी के मौसम में मज़ा आ गया। बिल्कुल भाई जबरदस्त हो गया, जबरदस्त टेस्ट था ना? जबरदस्त टेस्ट था भाई। चाय का टेस्ट वीआईपी था, गर्मा गर्म चाय थी और साथ बादाम पिस्ते डले हुए थे। बहुत अच्छा टेस्ट है यार सभा की चाय का। हम आ गए थे वन नंबर मछली लेने, कुछ घर के लिए सर्दियां शुरू हो गई है तो मछली भी लाजमी है, तो ये ले लिए भाई हमने। ये मछली पड़ी है, ये सफाई पे लगी है, वो भाई भी साफ करने सारा, ठीक है सारी ले ली। इसमें कुछ मुजाहिद भाई की है, कुछ हमारी है, ऐसा ही है मुजाहिद भाई? बड़ी कुछ है, बड़ी बड़ी तो बहुत पड़ी है यहाँ पर। यहाँ तो आपको पता है मछलियाँ बहुत है, मार्केट है ना। ये देखो मछलियाँ चेक करो, ये पड़ी है सारी मछलियाँ इस साइड पे भी, इस साइड। रश देख रहे हो, रश कितना है आज? आज रश भी बहुत ज़्यादा है। आज संडे है ना, आज रश बहुत ज़्यादा है। तो भाई मछली जो है हमारी बन गई है, बिल्कुल देख रहे हो ये रही अंदर सारी मछली, मेरी भी और मुजाहिद भाई की भी बन गई। मुजाहिद भाई सही था, कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? मछली बहुत लश है यहाँ की, मछली से यहाँ की अच्छी है ना, फ्रेश, क्योंकि ये सारी मछलियाँ जो ना कांटे में पकड़ी जाती है। हाँ ये कांटे वाली, ये इसलिए थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन एकदम फ्रेश है यहाँ की। अभी हमने ले ली दोनों ने अपने अपने लिए, ठीक है ये मेरे घर की, मुजाहिद भाई के घर की भी हो गई। तो बस चलते हैं मुजाहिद भाई अब घर, सीधा बहुत लेट हो गए तो चलते हैं घर। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलता हूँ इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।